इट्स बीन अ वाइल, इट्स बीन अ वाइल। वेल, आप लोग काफ़ी पूछते रहे कि भाई वीडियो कब डालोगे कब डालोगे, एंड मैं अपने आप से पूछता रहा कि आई मैं सीरियस अबाउट इट आर नॉट। सीरियस ही तो नहीं होना, मैं लाइक सीरियसनेस रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल ज़रूर बनना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले, सीरियसनेस खुद एक बाय प्रोडक्ट बन के इसके साथ आ जाएगी। वेल, अ लॉट हैज चेंज सिंस आई अपलोडेड माई लास्ट वीडियो। जो मैं अपनी लास्ट वीडियो डाली थी उस टाइम पे मैं एक नई जगह पे शिफ्ट हुआ था। पहले क्योतो रहता था, तो क्योतो से मैं गया था शिगा। दोस्तों के रहने के लिए मैं अब शिगा से आ चुका हूँ हीराका था, जो कि ओसाका के अंदर आता है, ओसाका क्योतो के बीच में। मान लो ऑनेस्टली मेरा प्लान तो यह था कि इस साल की स्टार्टिंग में अराउंड जनवरी फेब के करीब मैं यूट्यूब पे जैसे तैसे वीडियो डालूं। And I tried, I have made several attempts, but chaos everywhere. Chain of events कुछ ऐसे रहे कि I wasn't able to do it. कभी financial problem आ गई, laptop मेरा वो सबसे बड़ा था, laptop खराब हो गया, then camera, मेरी job छूट गई, कभी hospitalized होना पड़ा, and कुछ तो मैं शायद share भी नहीं कर पाऊंगा camera पे, कुछ ना कुछ बीच में आ ही जा रहा था, गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे थे। लेकिन इस टाइम ने एक चीज बहुत बढ़िया कर दी, हमको साला छलांग लगाना सिखा दिया। ओके, वन क्वेश्चन, हर ब्लॉगर का अपना अपना एक स्टाइल होता है। जो लाइफस्टाइल के अंदर अच्छा है वो लाइफस्टाइल ब्लॉगर बना पड़ा है, जो फिटनेस के अंदर अच्छा है वो फिटनेस की वीडियोस डाल रहा है। तो मेरे चैनल के अंदर आपको क्या ऐसा यूनिक लगता है या पसंद आता है, जो आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में दूसरे से डिफरेंट हूँ, ये मेरे को कमेंट में बताओ यार। अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई, मेरे ख्याल से ये जगह बंद होने वाली है, सो जाना पड़ेगा नीचे। सो आई प्रॉमिस माई सेल्फ, मैं आज वीडियो कैसे ना कैसे करके अपलोड करूँगा। मुझे अपना ये वीडियो कंप्लीट करनी है एंड कल सुबह तक इसको अपलोड करना है। सोचा जॉब खत्म होने के बाद शूट करूंगा। मैंने कहा एक घंटे के अंदर शूट हो जाएगा, घर पे जाके बढ़िया वॉइस ओवर डाल के कुछ ना कुछ कर डालूंगा, बट नहीं बन पाया। या तो प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा कि भाई ठीक है एक और दिन सही, बट देन फायदा क्या, एक साल से वही करता आ रहा था। थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लास्ट ट्रेन त्यागनी पड़ जाएगी भैया। कूल, ओके लेट्स। आज I was almost convinced to miss my last train, but I have to take it because मैं आते समय मम्मी की साइकिल से आया था, मम्मी की सुबह जॉब है। अगर आज यहाँ पे रुकता तो मेरा टाइटल आज कुछ ऐसा होता लाइक मिस्ड माय लास्ट ट्रेन। अब क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ तो I have to think about something new. समझ नहीं आ रहा, साइकिल ने जान बचा दी या फिर प्रॉब्लम बढ़ा दी। कल का सूरज मम्मी देखने नहीं देगी, ट्रेन छूटने में सिर्फ 4 मिनट रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। वेलकम टू हीराकाता। थोड़ा सा लाइट खाना खा लिया, हरा हचिबू कर लिया मैंने। हरा हचिबू बेसिकली होता है कि आप अपनी भूख का 80% खाओ, पेट को फुल खाने से पैक नहीं करना होता। ऐसे थोड़ी लोग यहाँ पे इतना लंबा जीते हैं। तपस्या भैया तपस्या। वो लोग होते हैं ना जिनको पता तो सब कुछ होता है, बट वो चोट इसलिए खाते हैं बिकॉज वो एक्शन नहीं लेते टाइम पे। दिस इज मी, टोटली मी। आई स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक व्हेन आई वाज अ किड। आई लर्न इट फॉर 10 years, 8 to 10 years. Then I quit. It was tabla. The second thing was taekwondo, martial arts. National एक खेला मैंने, मतलब selection वाला proper, ऐसा नहीं कि पैसा देके निकल गया, open national नहीं, proper national खेला। And वो national खेलने के बाद जब मैं जापान आ गया था taekwondo भी छोड़ दिया। हालांकि मैं जापान के अंदर कुछ time तक continue किया था, but then I left it and I start doing gym and all. खुद से सीखा यूट्यूब से देख देख के, रेंज ऑफ मोशंस एंड A to Z थिंग्स।
अच्छी इंप्रूवमेंट आई मेरी बॉडी के अंदर, काफ़ी इंप्रूवमेंट आई इनफैक्ट। एंड देन अब मैं वो जिम भी नहीं कर रहा, देन यूट्यूबिंग चालू की, देन आफ्टर दैट अभी बीच में जो पॉज आया, और ऐसे पॉज आते रहते हैं और पहले भी ऐसे पॉज आ चुके हैं। सो लाइक मेरे अंदर जो बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है प्रोक्रास्टिनेशन की। जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, जब तक वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन वाली फीलिंग नहीं आ गई, तभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में वही बात बोली थी कि मेरे को सीरियस नहीं होना, सीरियस इज लाइक डेथ। तो मेरा अभी का गोल ये है, मैं अब थोड़ा थोड़ा करके हफ्ते में आई ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट 2 व्लॉग्स एटलीस्ट, नहीं तो 1 मिनिमम। एंड सेकेंड थिंग इज, जिसमें मैंने आपसे आप लोगों से हेल्प मांगी है, आप मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ के अंदर क्या चीज़ पसंद आती है, तो मैं उसको और पॉलिश करके अपने व्लॉग्स के अंदर डालूंगा।